फरीदाबाद के डिपो होल्डरों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सेक्टर 12 स्थित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रण फरीदाबाद के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कम मात्रा में मिल रहे राशन और कमीशन की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रण अधिकारी को सौंपा। आपको बता दें कि डिपो होल्डरों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़ से उन्हें कमीशन आता है लेकिन अधिकारी कमीशन देने के बदले 20% रिश्वत मांगते हैं। डिपो होल्डर एसोसिएशन प्रधान वाइस प्रधान हरियाणा का डिपो होल्डर इकट्ठे भाई, हमारे पिछले 2 साल से करीब ना तो कमीशन मिला है जी सर, जो कि हमारा अधिकार है। दूसरा, डोर स्टेप डिलीवरी नहीं देते, हम अपने पैसे से गेहूँ उठा के ला रहे हैं, कई आदमी तो 100 रुपये क्विंटल तक गेहूँ पड़ता है, तो बताओ। और एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है हम ईमानदार रहें, ईमानदार हमारे बच्चे नहीं है क्या? 2 साल से कमीशन नहीं मिला, कहाँ से पालेंगे हम बच्चे इन्हें? ऐसा है कि पहले तो हमारी जो एलोकेशन है बहुत ही कम आई है जी, ठीक है, और एलोकेशन जो हमारी कम आई है, अगर हम इसको बांटते भी हैं, अगर हम उठा भी लेते हैं, तो हमारे डिपो होल्डर भाइयों के और उपभोक्ता के बीच में खींचतानी हो जाएगी, सबकी कंप्लेंट होंगी, क्योंकि सबको पूरा राशन मिल नहीं पाएगा। तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि भाई अगर सरकार हम ये चाहती है कि भाई दोबारा सर्वे करा ले, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो दोबारा सर्वे हो जाएगी उसकी।